मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर यूनिट 7। हमारा यूनिट 7 है अ काइट। ओके, उसमें ये पोयम है, देन ये पोयम के बाद एक स्टोरी है। पहले हम पोयम कर लेते हैं, देन वी विल स्टडी स्टोरी। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोयम। लर्न एंड एन्जॉय दिस पोयम। फर्स्ट वी रीड द पोयम एंड देन वी अंडरस्टैंड द पोयम। ओके, आई ऑफ्टन सी इट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। यहाँ पे ये लड़का है, वो बैठा हुआ है और वो सोचता है अक्सर कि अगर मैं काइट होता तो मैं आसमान में उड़ता और जहाँ पे वो काइट पहुँच पाता है वहाँ तक, जब तक मुझे चांस मिलता वहाँ तक मैं उड़ता रहता। ओके, अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। I often see it and wish that I could be a kite। यहाँ पे जो लड़का है वो कहता है मैं अक्सर बैठता हूँ और मेरी वो विश है कि मैं अगर काइट होता तो अप इन द स्काई, मैं स्काई में ऊपर तक उड़ता एंड राइड अपॉन द ब्रीज, और ब्रीज तक राइड करता एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, मुझे जहाँ तक फ्लाई करने को मिलता, जहाँ तक मुझे चांस मिलता वहाँ तक मैं पहुँचता। ब्रीज यानी कि स्मूथ वाइन एंड ग्लो यानी कि फ्लाई। ओके, ग्लो का रियल मीनिंग है समथिंग टू मूव, कुछ मूव होता है हमारे पास से जाता है उसको हम कहेंगे ग्लो। ओके, यहाँ पे जो पोयम है उसमें एक लड़का है, वो बैठता है अक्सर और सोचता है कि अगर मैं काइट होता तो आसमान में दूर तक उड़ता, मुझे जहाँ तक चांस मिलता वहाँ तक मैं उड़ते उड़ते जाता और ब्रीज के साथ राइड करता, मुझे जहाँ तक भी जितना भी उड़ने मिलेगा मैं उतना उड़ता, ये ऐसा सोचता है। ओके, इस पोयम के न्यू वर्ड्स है ब्लो, समथिंग टू मूव, ब्रीज, ब्रीज या वन टाइप ऑफ माइंड, चांस, चांस यानी कि मौका, काइट, काइट तो आपको पता ही है हम फ्लाई करते हैं, सीट, सीट यानी कि बैठना। लेट्स रीड, लेट्स रीड में कुछ सेंटेंसेस है। I can fly a kite, यानी कि मैं फ्लाइट को उड़ा सकता हूँ। I love to sit under a tree, मुझे ट्री के नीचे बैठना बहुत पसंद है। यहाँ पे हमने काइट और सीट का दोनों वर्ड का यूज़ करके सेंटेंसेस है वो हमने देखे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। ओके, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, चाइल्ड को क्या बनने की इच्छा थी, क्या बनने की उसकी तमन्ना थी। तो द आंसर इज द चाइल्ड विशेज टू बी अ काइट, तो उसको काइट बनना था। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the child wish to do with the breeze? उसको ब्रीज के साथ क्या करना था, उसकी क्या विश थी ब्रीज के साथ करने की। तो आंसर होगा द चाइल्ड विशेस राइड अपॉन द ब्रीज, वो ब्रीज के साथ राइड करना चाहता था एंड गो विच एवर वे ही चांस टू ब्लो, उसे जहाँ तक चांस मिले वहाँ तक वो जाना चाहता था। ओके, अब हम लेट्स टॉक में कुछ क्वेश्चन आ देखेंगे। What would you like to be? आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद से बताना है कि आपको क्या बनना है, कभी आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे। Our next one is imagine you are a bird in the sky, इमेजिन करो कि आप स्काई में एक बर्ड हो। Describe what you will feel when you see a kite flying near you, आप डिस्क्राइब करो कि जब आप फ्लाई कर रहे हो और आपके पास में फ्लाइंग काइट फ्लाई करता हुआ आए तो आप क्या करोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट है से अलाउड, तो चलो अब हम बोलते हैं ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, काट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। ओके, यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स भी है, चांस एंड डांस ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं, फिर ब्राइड, राइड ये भी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है, कार्ट एंड पार्ट वो भी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ब्राइड, राइड राइमिंग वर्ड्स की पैर है, फिर कार्ट और पार्ट, फिर राइड और साइड एंड चांस एंड डांस ये सब राइमिंग वर्ड्स है एक दूसरे के, जिसका साउंड सेम होता है इसको हम राइमिंग वर्ड कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स, क्या आपको पता है दिस काइंड दिस साउंड, यानी कि ये साउंड होते हो ऐसे वर्ड्स, तो आपको पता हो तो आपको उसका अलग से लिस्ट बनाना है. ओके, लेट्स शेयर. वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई. अब स्काई में कौन सी डिफरेंट थिंग्स होती है वो फ्लाई करती हैं, तो बर्ड्स होते हैं, फिर जो क्लाउड्स होते हैं वो भी हमें दिखते हैं, फिर बलून्स फ्लाई कर सकते हैं, काइट फ्लाई कर सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसमान में उड़ सकती है. इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास विंग्स होते आप फ्लाई कर पाते तो आप कहाँ तक फ्लाई करते. अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं बहुत दूर तक, मेरे से जितना हो उतना दूर तक फ्लाई करती. तो आपको भी कहाँ फ्लाई करना है वो आपको आंसर में देना है. ट्रेस ऑन द रेन पेटर्स, यहाँ पे क्लाउड्स है उसमें से रेन पेटर्स पैटर्न्स निकल रही है, उसमें आपको ट्रेस करना है. ओके, पेंसिल से डॉट डॉट को पेंसिल से ट्रेस करना है. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ वैसे ऐसे. ओके, आप कर लेना आपकी टेक्स्ट बुक में. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज. यूज़ द पिक्चर्स क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो. कलर द पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं हमें. स्टार्स है, रेनबो है, मून है और सन है. तो इस क्लू के अकॉर्डिंग क्या करना है, डे स्काई में क्या आएगा और नाइट स्काई में क्या आएगा वो आपको ड्रॉ करना है. मैं आपको समझा देती हूँ कि डे स्काई में आपको सन को ड्रॉ करना है, क्योंकि जब डे होता है तब सन साइन करता है. एंड नाइट स्काई में आप क्या करोगे, स्टार्स एंड मून को नाइट स्काई में ड्रॉ करोगे, और डे स्काई में आप रेनबो भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, पर जो रेनबो होता है वो नाइट स्काई में कभी नहीं दिखता, इसलिए नाइट स्काई में मत करना. यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स में से पिक्चर जो भी हो उसका वर्ड हमें चॉइस करके लिखना है. तो हमें बॉक्स में कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टार्स, सन, क्लाउड, रेनबो एंड मून. ओके, फर्स्ट है सन, फिर है मून, फिर है क्लाउड, फिर है स्टार्स एंड रेनबो. ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ्रोन इंग्लिश मीडियम स्कूल. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरी. स्टोरी का नेम है सुंदरी. ओके, तो चलो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. रीड एंड एन्जॉय दी स्टोरी. इस स्टोरी को हमें पढ़ना है और एन्जॉय करते करते उसको समझना है. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. तो सुंदरी कौन है, वो काइट है, और वो कौन से कलर की है, रेड वाइट एंड ब्लू. तो जो सुंदरी है वो रेड वाइट एंड ब्लू कलर की काइट है, यानी कि पतंग है. व्हेन बॉबी मेड हर सी स्माइल एट हिम, जब बॉबी उसको बना रहा था तब उसने बॉबी के सामने स्माइल किया. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी ही सेड. फिर बॉबी ने उसने कहा तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहूँगा. जो सुंदर काइट थी वो उसको बहुत पसंद थी, उसको लगता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए बॉबी ने उसको सुंदरी कहना स्टार्ट कर दिया. वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू द फेयर. एक दिन क्या होता है, बॉबी जो है वो सुंदरी को फेयर में लेके जाता है, यानी कि मेले में लेके जाता है. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. द बैंड, बैंड का मीनिंग होता है जो ग्रुप जो साथ में मिलके कोई एक्टिविटी करते हैं उसको हम बैंड कहते हैं. वो सब खेल रहे थे और सब स्माइल कर रहे थे. ए मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटल ट्यून. जो मैरी गो राउंड होता है वो अच्छे से प्लेइंग कर रहा था हैप्पी ट्यून में. इट वॉज कैरिंग अ लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. जो मैरी गो राउंड होता है वो एक वन टाइप ऑफ राइडर है. ओके, उसमें बहुत सारे वुडन एनिमल्स होते हैं, उसमें बच्चे बैठ के राइड करते हैं उसकी. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. जो बॉबी था उसको तो पतंग को उड़ाना था, इसलिए वो बहुत खुली जगह ढूंढ रहा था कि वो जाके उसको फ्लाई कर सके. सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी के सामने, सुंदरी भी उसके सामने देख रही थी और सुंदरी भी वही ढूंढ रही थी कि ओपन स्पेस खुली जगह मिले, इसलिए बॉबी सुंदरी को फ्लाई करे, उसको उड़ाए. आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड. फिर उसको एक ग्रास रैन बॉबी
होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। फिर क्या हुआ, बॉबी ने उसमें जितना भी टाइटली होल्ड करना था उसने अपनी काइट को इतना होल्ड करके रखा, वो जितना भी कर सकता था उतना। पफ, द वाइंड केम अलोंग, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। इतनी तेजी से हवा आई कि जो सुंदरी थी वो ऑटोमेटिकली फ्लाई करना स्टार्ट हो गई। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो बहुत दूर तक नहीं जा पाई। अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। जो छोटा सा डॉगी था, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये डॉगी ने क्या किया है, जो सुंदरी की जो पूछ है उसको होल्ड करके हुए रखा है, इसलिए वो बहुत दूर तक फ्लाई नहीं कर पाई। इट वॉज इन हिज माउथ, उसने क्या किया, उसको माउथ में होल्ड कर दिया सुंदरी को, इसलिए ओके। बॉबी सूट द डॉग अवे, बॉबी ने क्या किया, सूट द डॉग अवे। हम शू नहीं करते, वैसे ही शू का मीनिंग होता है टू मेक समबडी गो अवे बाय अ सेइंग, ओके। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सीड, बॉबी ने किया, चलो हम फिर से ट्राई करते हैं। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। लीप्ड अप का मीन होता है टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, लंबी छलांग लगाना, ओके। इस टाइम पे क्या होता है, सुंदरी ने लंबी छलांग लगाई एयर में। सी टग्ड, टग्ड का मीन है टू पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली, किसी चीज़ को बहुत तेजी से खींचना, ओके। ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो और हर स्ट्रिंग, सी गेव अ बिग टग, बॉबी हैड टू लेट हर गो। बॉबी उसको जाने देना चाहता था, जितना दूर तक सुंदरी फ्लाई करे उतना देर तक। बॉबी ने उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था, खींच के रखा हुआ था। टग मीन्स किसी को खींच के रखना। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। फिर जो सुंदरी है वो हवा में ऊपर तक जाने लगी, फिर उसने वी बोला, फिर वो क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। सुंदरी ने क्या कहा, अब मैं जितना भी ऊपर जाना हो ऊपर जा सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, और वो चली गई। सी फ्लू अप अप इन द एयर, और वो एयर में उड़ती गई ऊपर तक जाती गई। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसे ही, ओके। तो इस पिक्चर के न्यू वर्ड्स, इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स है। ये जो स्टोरी है वो अडेप्टेड फ्रॉम अ क्लियो बाय द रूथ डिक्शन, एंड न्यू वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी इज बैंड। बैंड का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू समथिंग टुगेदर। पीपल का ऐसा ग्रुप जो साथ में मिलके कुछ कर रहे हो। डीसी का मीन होता है वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा। स्माइल, स्माइल को तो आपको पता ही होगा, स्माइल करना। फिर स्ट्रिंग, फिर टग, टग का मीन होता है टू पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली, जल्दी से किसी चीज़ को खींचना। फिर वाइंड यानी कि हवा। लेट्स रीड, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसको हम रीड करते हैं। आई फील डीजी ऑन अ मैरी गो राउंड, ओके। मुझे मैरी गो राउंड पे जब मैं बैठता हूँ तो मुझे बहुत डीजी यानी कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सेकंड है द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, तो बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल वु डू समथिंग टुगेदर, तो जो कुछ पीपल का ग्रुप है वो साथ में खेल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश हो। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। तो रीडिंग इज फन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा होममेड सुंदरी। तो जो सुंदरी काइट थी इसने किसने इसको बनाया था, तो सुंदरी ने बॉबी ने बनाया था। तो हमारा आंसर होगा बॉबी मेड सुंदरी, तो सुंदरी को बॉबी ने बनाया था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, तो बॉबी और उसकी काइट को सुंदरी क्यों कहा जाता है, बॉबी ने उसकी काइट को सुंदरी क्यों कहा। तो हमारा आंसर होगा बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज हिज काइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो बॉबी है वो अपनी काइट सुंदरी को सुंदरी क्यों कहता था, क्योंकि वो वाकई में बहुत सुंदर थी। अवर थर्ड क्वेश्चन इज डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, तो क्या सुंदरी बहुत हाई बहुत दूर तक फर्स्ट में जब उसको उड़ाया तब फर्स्ट टाइम में ही वो बहुत दूर तक फ्लाई कर सकती है, किया था उसने ऐसे, ओके। हमारा आंसर होगा एट फर्स्ट, जब फर्स्ट टाइम सुंदरी को उड़ाया तब सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई, तब वो
बहुत दूर तक फ्लाई नहीं कर पाई थी. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. वैसी क्या चीज थी जिससे सुंदरी बहुत खुश हो गई थी. तो हमारा आंसर होगा व्हेन सुंदरी कैन फ्लाई एज हाई. जब सुंदरी बहुत हाई तक उसने फ्लाई किया, इट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. ओके, अब नेक्स्ट है लेट्स टॉक. लेट्स टॉक में आपको आंसर देना है आपके अकॉर्डिंग. डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स. क्या आपको काइट्स को फ्लाई करना पसंद है. इफ येस देन राइट येस एंड नो देन राइट नो. ओके, नेक्स्ट है हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स. तो काइट्स को फ्लाई करने के लिए कौन हेल्प करता है. तो हमारा आंसर होगा जो भी आपको हेल्प करता है, या माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर. तो आप योल करके हेल्प मी टू फ्लाई काइट्स, ऐसा आंसर लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है लेट्स शेयर. तो लेट्स शेयर में हम क्या है वो देखेंगे. टेक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट. तो आपको काइट फ्लाई करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसमें आपको टिक करना है. ओके, तो स्टिक दिया हुआ है, रोलर दिया हुआ है, फिर है ग्लू, पेयर ऑफ सीजर, बास्केट, पेपर एंड बॉल. तो हमें जब काइट को फ्लाई करना होता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहती है. तो जब हम काइट को फ्लाई करते हैं तब हमें स्टिक चाहिए होती है, फिर रोलर चाहिए होता है, ग्लू चाहिए होता है और पेपर चाहिए होता है. तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है. तो उस पर हम राइट मार्क करेंगे. ओके, और इसके अलावा आपको जिस चीज़ चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को टिक कर सकते हो. ओके, नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज. और आप अपनी लैंग्वेज में भी इसका आंसर दे सकते हो. ओके, अब नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन दी हुई है ऐसे ट्रेस करना है. ऐसे आपको जितने भी डॉट है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे फर्स्ट स्मॉल लाइन है और सेकंड है बिग लाइन है. ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन. यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, आपको ये कैसे ड्रॉ करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉ करनी है. और डॉटेड तो डॉट्स तो दिए ही हुए हैं, डॉट को ट्रेस करते करते आपको ऐसे उसको ट्रेस करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्टिकल लाइंस. अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दोनों मिक्स करके फर्स्ट एल दिया हुआ है, फर्स्ट वर्टिकल करनी है फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल, ऐसे आपको डॉट पे ट्रेस करना है. ओके, फिर नेक्स्ट है पहले हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वैसे ही आपको डॉट को ट्रेस करते करते यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे आपको करना है. मैंने थोड़े आपको दिखाए, बाकी का आपको खुद से करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है लेट्स डू. तो लेट्स डू में क्या है, लोकेट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर्स दिए हुए हैं, इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें स्टोरी बनानी है, हमारे वर्ड्स में स्टोरी बनानी है. ओके, स्टोरी का टाइटल क्या है, द अम्ब्रेला एंड द क्रो. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, इसलिए जो लड़की है वो अपनी अम्ब्रेला लेके बाहर आई हुई है. फिर सेकंड है इतनी तेज़ हवा चलती है कि उससे हाथ में से अम्ब्रेला छूट जाती है और जो क्रो है उस अम्ब्रेला को ले लेता है. थर्ड में जो क्रो है वो अम्ब्रेला को लेके उड़ता है, वो चला जाता है. फिर नेक्स्ट लास्ट पिक्चर में क्या है, जो क्रो है वो अम्ब्रेला को कैसे यूज़ करता है, एज अ नेस्ट यूज़ करता है और अपने बेबी को उस अम्ब्रेला में वो रख देता है. अब अम्ब्रेला क्या बन गई, नेस्ट बन गई. ओके, मैंने हमारी लैंग्वेज में आपको स्टोरी समझा दी. अब क्या करना है हमें, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन अ द लेफ्ट पेज. ओके, लेफ्ट पेज पे जो पिक्चर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है. अ वाइन ब्लोस, इट इज रेनिंग, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री. तो ये सब सेंटेंसेस थे. ओके, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें उसको अरेंज करना है. तो फर्स्ट पिक्चर में क्या था, तो द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, ये फर्स्ट पिक्चर में था. ओके, फिर सेकंड आएगा, अ वाइन ब्लोज, इट इज़ रेनिंग, देन
आएगा द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, क्रो अम्ब्रेला को लेके चला गया। फिर द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, फिर वो ट्री में हैंग्स हुई और ट्री में अम्ब्रेला को हैंग करने के बाद वो नेस्ट बन गई। तो हमारा लास्ट सेंटेंस क्या आएगा, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। ओके अब है नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड्स रेन वाइन क्रो नेस्ट इज हैज ब्लोज एंड फ्लाइज। ओके आपको इंग्लिश में स्टोरी को बताना है। ओके ये आपको एक्टिविटी में करना है। लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे आपको जो डॉटेड लाइन दी हुई है इसको आपको पेंसिल से ट्रेस करना है, लिखते जाना है और रीड करते जाना है। तो फर्स्ट क्या है, क्रो। तो क्रो को हम कैसे लिखेंगे, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, जी आई आर एल, गर्ल, एन ई एस टी नेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा ट्री, टी आर डबल ई ट्री, डब्ल्यू आई एन डी वाइंड। ओके आपको ऐसे ही डॉटेड डॉट को ट्रेस करना है। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा यूनिट फिनिश होता है। थैंक यू।